हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरजीत सिंह। दोस्तों, आज की वीडियो बात करेंगे वरना कार की स्टार्टिंग प्रॉब्लम के बारे में। तो एक गाड़ी आई थी हमारे पास, इसमें जो प्रॉब्लम आ रही थी, गाड़ी जो है काफ़ी लंबा राउंड लेके स्टार्ट हो रही थी। तो इसको हमने चेक किया, डायग्नोज किया, जो भी इसमें प्रॉब्लम थी उसको हमने सॉल्व कर दिया। उसको हमने कैसे सॉल्व किया उसके बारे में बताएंगे। तो इसको हमने पहले चेक किया मैनुअली, इसमें ऐसी दिक्कत क्यों आ रही है। तो सबसे पहले हमने इसकी जो कॉमन रेल है उसके ऊपर एक नोजल लगाई, आप देख सकते हो इस तरीके से नोजल लगाई, जो पंप से लाइन जाती है रेल में वहाँ पे हमने नोजल लगाई। आप पंप पे भी लगा सकते हो या रेल पे भी लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो। तो हमने इसको चेक किया, तो जैसे ही क्रैंकिंग कर रहे थे, आप देख सकते हो जैसे ही क्रैंकिंग कर रहे हैं तो डीजल आ रहा है, नॉर्मल डीजल आ रहा है, आप देख सकते हो। पर जो प्रेशर चाहिए हमें, हमने जैसे ही नोजल लगाई 300 प्रेशर की, तो यहाँ पर नोजल जो फायर नहीं कर रही थी, वो आप देख सकते हो वीडियो में। इसका मतलब इसका जो पंप है वो प्रेशर नहीं दे रहा प्रॉपर। तो इसका हम पंप खोलते हैं, उसको चेक करेंगे, उसमें क्या सिस्टम है, क्या रिपेयर करना है, कैसे चेक करना है, उसके बारे में बताएंगे। तो देखिए, ये हम पंप हमने मशीन पे लगा रखे हैं, आप देख सकते हो क्लॉक वाइज हमने पंप चला रखे हैं 100 RPM पे, आप देख सकते हो। तो हमने चेक किया इसमें पंप में जो प्रॉब्लम थी इसको डायग्नोज किया। तो आप बताते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है और इसमें क्या निकला वो बताएंगे पूरा। तो वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर हमने मशीन पर पंप लगाया, उसमें जो चेक किया, तो देखिए ये पंप का नंबर है और यहाँ पे बिल्कुल भी डीजल नहीं आ रहा, आप देख सकते हो इसमें बिल्कुल भी डीजल नहीं आ रहा था 100 RPM पे स्टार्टिंग की पोजीशन में। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, पर जैसे इसको लूज़ करते थे यहाँ पे डीजल आ रहा है, पर जैसे ही नोजल को टाइट करते थे तो यहाँ पे नोजल फायर नहीं कर रही थी। इसका मतलब हमारा जो पंप है वो प्रेशर नहीं बना रहा प्रॉपर, आप देख सकते हो नॉर्मल डीजल आ रहा है, पर जैसे इसको टाइट कर देते हैं तो नोजल हमारी फायर नहीं कर रही, आप देख सकते हो बिल्कुल भी नोजल में डीजल नहीं आ रहा, यहाँ पे बिल्कुल फायर नहीं कर रही नोजल। तो इस पंप की जो है सर्विस वगैरह करेंगे हम, खोल के इसको अच्छे से क्लीन करेंगे। तो आप इसको कैसे रिपेयर करना है, कैसे क्लीन करना है, लिंक आपको वीडियो के एंड पे मिल जाएगा, आप वहाँ पे देख सकते हो। इसके मेंटेनेंस को कैसे रिपेयर करना है वो भी आपको एंड पे पता लग जाएगा, वीडियो मिल जाएगी आपको। तो इसको पहले खोल के जो है इसकी सर्विस करते हैं, इसको क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको खोल के क्लीन किया है। तो यहाँ पर पहले इसका जो वेन प्रेशर वो चेक कर लेते हैं, हमने मीटिंग खोला है इसका और यहाँ पर ये टूल लगाया और यहाँ पे इसका वेन पंप प्रेशर चेक कर लेते हैं कि इसका जो वेन पंप प्रेशर है वो प्रॉपर बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए मशीन को चलाते हैं पहले 100 RPM पे। तो जैसे ही हमने मशीन को 100 RPM पे चलाया, जो हमारा वेन पंप प्रेशर है वो बिल्कुल ओके बन रहा है, आप देख सकते हो 100 RPM पे 3 बार के आसपास बन रहा है, जो बिल्कुल ओके है। कई बार क्या होता है हमारा वेन पंप ही जो है खराब हो जाता है, तभी ये दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे हमारा जो प्रेशर है वो बिल्कुल ओके बन रहा है, फिर भी हमारी जो नोजल है वो फायर नहीं कर रही, आप देख सकते हो नोजल फिर भी फायर नहीं कर रही। हमारा जो वेन पंप प्रेशर बना बिल्कुल ओके बन रहा है, हमने मीटिंग था उसको भी निकाल दिया, तब भी हमारा जो नोजल है वो फायर नहीं कर रही। तो इस पंप की हम सर्विस करेंगे, सबसे पहले इसको खोल के अच्छे से क्लीन करेंगे। इसको कैसे क्लीन करना है आपको एंड पे लिंक मिल जाएगा। इसको क्लीन करने के बाद फिर मशीन पर दोबारा चेक करेंगे। तो देखिए ये पंप को, ये पंप का पार्ट नंबर है, वरना का ये पंप है। इसको क्लीन करके दोबारा चेक करेंगे। तो दोस्तों देखिए हमने पंप को क्लीन कर लिया अच्छे से, क्लीन करने के बाद हमने इसको मशीन पे लगाया है। तो ये हमने वेन पंप प्रेशर की गेज लगाई है इसकी। अगर आपको ये टूल चाहिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से इसको ऑनलाइन मंगवा सकते हो। तो यहाँ पे देखिए 100 RPM में मशीन को चलाया और यहाँ पे हमारा वेन पंप प्रेशर है वही 3 बार के आसपास आ रहा है, आप देख सकते हो वीडियो में। और जो हमारी नोजल है वो भी फायर कर रही है, अब आप देख सकते हो। और जिसकी डिलीवरी वगैरह वो भी बिल्कुल ओके आ रही है, आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी स्टॉक लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो डिलीवरी वगैरह बिल्कुल ओके आ रही है। तो यहाँ पे स्टॉक लेते हैं हम 100 RPM पे स्टार्टिंग पोजीशन में। मशीन हमने 100 RPM चला रखा है क्लॉक वाइज और यहाँ पे हमारा वेन पंप प्रेशर है जो 3 बार के आसपास है। और हमारी जो मेन डिलीवरी आ रही है आप ये देख सकते हो 70-80 के आसपास आ रही है, जो बिल्कुल ओके है। देखिए यहाँ पे हमारी जो डिलीवरी 70-80 के आसपास आ रही है, जो बिल्कुल ओके आ रही है। अभी हम इसको 500 RPM पे करते हैं और इसका वेन पंप प्रेशर देखेंगे 500 RPM कितना आ रहा है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारा जो वेन पंप प्रेशर है 500 RPM पे वो चेक कर लेते हैं। तो 5 बार के आसपास हमारा जो वेन पंप प्रेशर आ रहा है 500 RPM पे, आप देख सकते हो वीडियो में। तो यहाँ पे स्टॉक लगा के डिलीवरी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी दोस्तों जो डिलीवरी है 70-80 के आसपास आएगी, 500 RPM पे क्लॉक वाइज चल रहा है हमारा पंप। तो देखिए यहाँ पे डिलीवरी हमारी 70-80 के आसपास आ रही है, जो बिल्कुल ओके है। उसके बाद 1000 RPM पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने मशीन को 1000 RPM पे किया है
और यहाँ पे हमारा जो वेन प्रेशर वो भी चेक कर लेते हैं और डिलीवरी भी चेक करेंगे। 1000 RPM में किया हमने मशीन की क्लॉक वाइज, और ये वही हमारा जो वेन प्रेशर 5 bar के आसपास आ रखे हैं, और हमारी जो डिलीवरी है वो देख लेते हैं। तो यही 70-80 के बाद हमारी जो है फुल डिलीवरी आएगी 1000 RPM पे। तो आप इस तरीके से पंप को चेक कर सकते हो। अभी हम इसका मीटर यूनिट है वो चेक करेंगे। अभी हमने इसका वेन पंप प्राइस चेक किया था, अब इसको निकाल देंगे और यहाँ पे जो मीटिंग यूनिट है उसका उसको लगाते हैं। इसको खोल के यहाँ पे जो उसका मीटिंग यूनिट है उसको लगा देते हैं। तो ये टूल वेन पंप प्राइस चेक करने के लिए होता है कि हमारा जो वेन पंप प्रेशर वो कितना बन रहा है। अगर आपको ये टूल चाहिए तो लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से इसको ऑनलाइन मंगवा सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जो मीटिंग यूनिट है वो लगा देते हैं। तो ये देखिए इसका मीटिंग यूनिट है वो लगाते हैं, 750 नंबर आता है इसमें। तो ये लगा के इसको टाइट करके वही चेक करते हैं कि हमारा जो मीटिंग यूनिट है वो काम कर रहा है कि नहीं। हमने इसका वेन प्रेशर चेक कर लिया जो बिल्कुल ओके आ रहा है। अभी हम इसका जो है मीटिंग यूनिट चेक करेंगे। तो देखिए इसका नंबर है 750 नंबर, तो उसको करंट देके ही तेल आएगा, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी जो डिलीवरी वगैरह चेक करेंगे करंट देके कि हमारी जो पंप है वो सिस्टम है वो करंट दे रहा है कि नहीं दे रहा, और डिलीवरी दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसकी वायर लगा दी है, तो इसको करंट देंगे हम सीधा और इसकी जो डिलीवरी वो चेक करेंगे। देखिए हमने इसको करंट दिया, तो यहाँ पे हमारी जो डिलीवरी वगैरह बिल्कुल ओके आ रही है, आप देख सकते हो। यहाँ पे हमने इसको करंट दिया, देखिए 100 RPM पे। तो यहाँ पे हमारी जो डिलीवरी बिल्कुल ओके आ रही है, आप देख सकते हो वीडियो में। तो इस तरीके से हमने पंप को रिपेयर किया, जो उसकी सर्विस वगैरह की है। अब इसको फिट करेंगे मशीन पे, गाड़ी पे, और चेक करेंगे हमारी जो गाड़ी की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई है कि नहीं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़ने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। तो देखिए यहाँ पे हमने पंप को फिट किया है, तो पंप की जो टाइमिंग वगैरह पहले वो सेट कर लेते हैं। इसको फिट कर लेते हैं, तो इसको फिट करने के बाद इसकी जो स्टार्टिंग वगैरह वो चेक करते हैं कि इसकी जो स्टार्टिंग है वो ओके हुई है कि नहीं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कुछ भी पूछना हो या कुछ भी बताना हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो या मैसेज करके बता सकते हो। आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमने पंप को फिट कर दिया है, उसकी जो कनेक्शन वगैरह वो प्रॉपर कर लिए हैं, देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे हमने एक नोजल लगाई है, देखिए इसके इंजेक्टर के हमने कपलर निकाल दिए हैं। तो यहाँ पे हमने नोजल लगाई है, देखिए पहले इसको खाली फायर करा के देखेंगे, फायर कर रही है, उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करके फायर कराएंगे इसके। तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले फायर कर रही है, नॉर्मल नोजल फायर कर रही है, कपलर वगैरह लगा दिए, तो गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट है। ओके, आप देख सकते हो तो यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो गाड़ी को मारी सर, देखिए दोस्तों हमने गाड़ी को कंप्लीट किया, तो गाड़ी हमारी बिल्कुल ओके स्टार्ट हो रही है। तो इस तरीके से हमने गाड़ी की जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया है। उसमें जो फॉल्ट आ रहा था, उसके हाई प्रेशर पंप में फॉल्ट था, उसको हमने डायग्नोज करके ओके कर दिया है।